जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ के बिहारी ड्रेसेस। मेरा नाम महक है और आज हम सीखेंगे 2 और 3 नंबर के ठाकुर जी की ये ड्रेस बनाना। ये ड्रेस आप किसी भी साइज में बना सकते हैं, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी। 1 नंबर 0 नंबर 1 2 3 4 5 जिस साइज में आप इसे बनाना चाहें उस साइज में बना सकते हैं। और देखिए ये ड्रेस कितनी प्रिटी लग रही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 2 नंबर ठाकुर जी की चोली बनाई है। ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर 2 नंबर 1 नंबर 5 नंबर किसी भी चोली पर ये डिज़ाइन उतार सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थ्रेड को चेंज किया है, ऑरेंज थ्रेड को मैं कट कर दूंगी और वाइट थ्रेड से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 और 2, एक चेन हमने जॉइन के टाइम ली थी, तो अब एवरी लूप के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे घेर को बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम हर लूप के अंदर 2 बार बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट लूप में 1 बार और इसके बाद 1 बार, ये देखिए ये थोड़ा अब हो गया। ये देखिए ये मैंने 2 लूप बनाए, अब इसके नेक्स्ट लूप में मैं 2 लूप बनाऊंगी। ये देखिए नेक्स्ट में भी मैं 2 लूप बनाते हुए राउंड कंप्लीट करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और ये देखिए मैंने घेर बना लिया है। अब हम सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। उसके लिए पहले 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद नेक्स्ट में 1 बार और उससे नेक्स्ट में 2 बार, एवरी थर्ड चेन में हम 2 बार बनाएंगे। अब इससे नेक्स्ट में देखिए मैं 1 बार बनाऊंगी, 1 बार, नेक्स्ट में 1 बार और उससे नेक्स्ट में 2 बार। ऐसे ही करते हुए मैं पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ और इससे ऊपर एक और राउंड बनाएंगे। अब ये देखिए इसे हम जॉइंट कर लेंगे थर्ड चेन में। अब हम थर्ड राउंड बनाएंगे। ये देखिए अब थर्ड राउंड में हम 3 चेन लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट में 1 बार, उससे नेक्स्ट में 1 बार, फोर्थ में हम 2 बार बनाएंगे। तो अब हमारा यही प्रोसीजर रहेगा कि एवरी फोर्थ चेन के अंदर हम 2 बार बनाएंगे। तो ऐसे ही करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 3 राउंड व्हाइट के दिए हैं। इसके बाद अब हम ग्रीन कलर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने थ्रेड को जॉइंट करके जो है एक चेन बना ली है। उसके बाद व्हाइट थ्रेड को एडजस्ट करते जाएंगे और ग्रीन को भी। ये देखिए ये नेक्स्ट में गए हम 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में गए 1 सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में गए 1 सिंगल क्रोशिया। हमने यहाँ पर 4 बार सिंगल क्रोशिया किए। इसके बाद 5th में आएंगे सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7। 7 बार चेन बनाने के बाद इसी लूप के अंदर 1 बार सिंगल क्रोशिया, ठीक है। नेक्स्ट में जाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से 7 टाइम्स चेन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसी में फिर से 1 बार सिंगल क्रोशिया। ये देखिए तो हमारे ये दोनों इस तरीके से बन गए। उसके बाद एवरी देखिए चेन में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 और 4। ये देखिए अब हमने ये यहाँ पर 4 टाइम्स सिंगल क्रोशिया किया है। 5th में जाएंगे, फिर से वही प्रोसीजर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद सेम लूप के अंदर ही हम 1 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर अगले में आएंगे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से 7 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद फिर से इसी चेन के अंदर और फिर यहाँ पर 1 2 3 4,
अब ऐसा ही करते हुए हर फिफ्थ सिंगल क्रोशिया के अंदर हमने ये वर्क करना है। तो मैं ये वर्क कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये वर्क बनाया। इसके बाद हमने यहाँ पर फोर सिंगल क्रोशिया करने हैं। ये देखिए एक, दो और तीन। देखिए तीन में ही मेरे पास ये वर्क कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पर मैं इसे ज्वाइंट कर दूंगी। यहाँ मैं नहीं बना रही हूँ, ठीक है। अगर आपके यहाँ पर चार बचते हैं तो आप ये प्रोसीजर कीजिए, अगर नहीं बचते तो आप इसे स्किप कर दीजिए। दो बचते हैं, तीन बच जाते हैं तो यू कैन स्किप हियर, मतलब कि आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है ऑरेंज कलर को ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर ऐड किया है। तो इसके साथ वाले सिंगल क्रोशिया में मैं एक बार सिंगल क्रोशिया करूंगी। एक बार जो मैंने ज्वाइंट किया है वो वाला हो गया और एक बार ये हो गया, ठीक है। एक हम स्किप करेंगे यहाँ पर, वन टू थ्री फोर फाइव। फाइव चेन बनाने के बाद एक और दो, ये देखिए दो लूप लिए हमने। इन दोनों, ये देखिए जो हमने ये बनाए हैं सात सात चेन वाले, इनके बीच में ये देखिए यहाँ पर हमें एक बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। ये देखिए एक और दो, लूप से नहीं निकालना है। ये देखिए उसके बाद फिर से करना है हमें दो और दो। ये देखिए लूप में नहीं निकाल रही हूं, आप देख सकते हैं। ये देखिए टोटल हम ये पांच बार करेंगे ऐसा। ये देखिए चार हो गया, एक बार और, ये हो गया पांच, और अब इसे एक साथ निकाल देंगे ऐसा। एक बार चेन, उसके बाद फिर से दो हो गई, तीन चार और पांच। पांच चेन के बाद ये देखिए यहां से एक स्किप करेंगे, सेकंड वाले में डालेंगे, सेकंड वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, उसके साथ वाले में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से वही सेम। देखिए कितना प्यारा ये एक फ्लावर बना है। देखिए दो बार सिंगल क्रोशिया होने के बाद फिर से पांच चेन, एक दो तीन चार पांच, उसके बाद दो लूप और फिर इन वी के बीच में ट्रिपल क्रोशिया पांच बार। ये देखिए पांच बार हो गया, एक बार सीधा ही निकाल देंगे और फिर एक चेन, फिर दो तीन चार पांच। यहां से एक स्किप करेंगे, सेकंड वाली सिंगल क्रोशिया में इसे जॉइंट कर देंगे और ऐसे ही करते हुए मैं ये राउंड बना लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ लास्ट में हमने दो बार सिंगल क्रोशिया किया है और अब इसे फर्स्ट के साथ मैं ज्वाइंट कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे। और उसके बाद ये देखिए हम फर्स्ट सिंगल क्रोशिया के अंदर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, उसके बाद लूप में आएंगे, एक बार सिंगल क्रोशिया, लूप लिया, बल लिया और एक हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया में तीनों को एक बार निकालते हैं, उसके बाद एक डबल क्रोशिया। अब हम छः बार यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, दो तीन चार पाँच और एक ही छः। छः बार डबल क्रोशिया के बाद फिर से एक बार हाफ डबल क्रोशिया, तीनों को एक साथ निकाल देंगे और एक बार सिंगल क्रोशिया। यही प्रोसीजर रहेगा एवरी, जहाँ पर हमने पांच चेनें ली थी वहाँ पर यही प्रोसीजर रहेगा। अब देखिए इस तरफ वाली में आएंगे तो पहले एक हाफ सॉरी सिंगल क्रोशिया, उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया, छः डबल क्रोशिया, छः डबल क्रोशिया के बाद बनाकर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए
यही प्रोसीजर फॉलो किया है। 6 डबल क्रोशिया के बाद एक हाफ डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद दो में से एक बनाएंगे हम बीच में सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, अब इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मैं ये सारी रो बना लूँगी राउंड। तो मैं ये राउंड बना लेती हूँ ऐसे ही, और मैं येलो ऑरेंज थ्रेड के को जो है वो कट कर दूँगी, क्योंकि हमारा ऑरेंज का वर्क हो गया है और हमारी ड्रेस का लास्ट राउंड है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये मेरी ड्रेस रेडी हुई है, और देखिए कितनी प्रिटी लग रही है ये ड्रेस। आप भी अपने ठाकुर जी के लिए ऐसी ही प्यारी सी ड्रेस बना सकते हैं, और देखिए वाइट बेस पर भी प्यारी लग रही है। बहुत ही इजी ड्रेस है, आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। जहाँ पर आपको इंक्रीज़ करना होगा वो वाइट पोर्शन है, वाइट पोर्शन में इंक्रीज़ कर सकते हैं, बॉर्डर का जो पोर्शन है वो यही रहेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ऐसे ही हमारे प्यारे प्यारे ड्रेसेस बनाते रहिए, खुश रहिए, और प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारी सी ड्रेस के साथ, तब तक ऐसे ही खुश रहिए। जय श्री कृष्णा।